दोस्तों, सोल कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के हिंग के बारे में और उसकी बॉडी के बारे में। अगर आपके पास भी लिनोवो का लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप है लिनोवो, या तो आपके पास योगा है, आइडिया पैड है और थिंक पैड लैपटॉप है और उसके हिंग टूट गए, तो हम आज आपको बताएंगे कि लैपटॉप के हिंग कैसे रिपेयर करते हैं, वो भी फ्री में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिससे आपको हमारी सारी अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। लैपटॉप में ये इशू बहुत ज़्यादा आता है कि उसके हिंग्स और बॉडी टूट जाती है। अगर आपने लैपटॉप 2008 से पहले कर लिया है तो ये लिनोवो को भी पता है कि उसके हिंग्स टूटेंगे। तो अगर आपका लैपटॉप 2008 से पहले का है तो आप ये मान के चलिए कि आपका हिंग्स ज़रूर टूटेंगे। लेकिन आप ऐसे अकेले कस्टमर नहीं हैं जिनके कि लिनोवो के लैपटॉप के हिंग में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ऐसे मिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। लिनोवो के जो लैपटॉप के हिंग होते हैं वो प्री डिस्पोज्ड होते हैं, मीन्स दैट वो बहुत संवेदनशील होते हैं, जो कि बिना किसी रीजन के ही टूट जाते हैं। तो कभी कभी इसकी वजह से स्क्रीन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप जिसके वजह से आपका पूरा जो लैपटॉप है लिनोवो का लैपटॉप, वो यूजलेस हो जाता है। अगर आपका आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हम इस लैपटॉप के सारे स्क्रू धीरे धीरे करके खोल रहे हैं, और ये हमारे टेक्नीशियन हैं कि इसके स्क्रू को अभी खोल रहे हैं। ये सारे स्क्रू अनस्क्रू करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि इसके हिंग्स कहाँ पे होते हैं और इसकी बॉडी कहाँ से टूटी हुई है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाए। इस वाले लैपटॉप में जो लिनोवो का लैपटॉप है, इसमें बहुत सारे स्क्रूज हैं। इन सारे स्क्रू को धीरे धीरे कर एक एक करके हम खोल रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैपटॉप पर फैन आपको दिखाई दे रहा होगा। इनके स्क्रू खोलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए, अभी आप ये जो देख रहे हैं ये लैपटॉप के हिंग हैं जो कि ब्रेक हुए हैं। इनको हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो खोल रहे हैं। इनको खोलना बड़ा टिपिकल काम है, ये खोलने में थोड़ा परेशान करते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि इसके हिंग्स को, जैसे लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाते हैं, इस तरह के लैपटॉप में आपको हिंग रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देख सकते हो कि इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं, और अब इसका जो टॉप पैनल है, जो जिसमें पूरा मदरबोर्ड और ये सेट होता है पूरा मदरबोर्ड, उसको हमने अलग कर लिया है। और जो हिंग्स वाला पार्ट है जिसमें स्क्रीन और हिंग्स होते हैं, वो अब हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब इनके हिंग्स को हमें रिपेयर करना है जो कि टूट गए हैं। ये बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल तो आपकी स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है। तो इस पार्ट को आप खुद ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से हम लोग खोल रहे हैं और किस तरह से, क्योंकि अगर आप अभी सीख ही रहे हैं तो आपको हम ये एडवाइस देना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत ही कॉस्टली आती है। तो आप अगर हमारी वीडियो को देखकर इस तरह का करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, जिससे कि लैपटॉप की स्क्रीन जो है कि ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे टेक्नीशियन हैं वो इसको कर रहे हैं रिपेयर। उसके हिंग्स वाले पार्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये हिंग्स जो है जो टूट गए हैं वो चेंज हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हिंग्स हैं और जो स्क्रीन है वो एक साथ ही होती हैं, और यहाँ पे इसको बड़ी केयरफुली हमें रिपेयर करना होता है, क्योंकि अगर आपसे कस्टमर की लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो आपको इसका पे भी करना पड़ेगा, जो कि 7 से 8 हज़ार रुपये होगा। अगर आप लैपटॉप का यही रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें तो आपको 1000 से 1200 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे 5 से 7 हज़ार रुपये तक। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको यहाँ पर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं।
हमारी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हम किस किस तरह से इस टेक्निक्स को रिपेयर कर रहे हैं, क्या हम लोग लॉजिक इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक्स भी आपको लगाने पड़ेंगे जो कि आपको आगे आने आने वाले टाइम में दिखेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आपको लैपटॉप की स्क्रीन को भी बचाना है, उसके इंक्स को भी रिपेयर करना है। ये बिल्कुल बुरी तरीके से जाम हुए पड़े हैं इंक जो टूट गए हैं, और इसको अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करोगे तो आपका जो पैनल है जहाँ पे स्क्रीन फिट होती है तो वो भी टूट सकता है। तो इसका कोई भी पार्ट आप मिस मत करना, अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, और क्या लॉजिक अभी हम लगाने वाले हैं उसको भी आपको देखना है। ये हमारे टेक्नीशियन इसको अभी खोलने की कोशिश ही कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं इसको खोलने में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। जो ये नो प्लस आप देख रहे हो, ये लैपटॉप में बहुत ही काम की चीज़ होती है। इसके बिना आप लैपटॉप को जो हिंग्स हैं वो रिपेयर ही नहीं कर पाऊंगे। वो नोपला जो पहले जिससे काम कर रहे थे वो सही से पकड़ नहीं रहा था, तो अब दूसरा निकल रहा है। देखते हैं इससे हम खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे। एक बार भी आपका स्लिप कर गया तो समझो कि लैपटॉप की स्क्रीन गई। तो बहुत ही केयरफुली आपको इसको देखना है, करना है। और जो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम में इस तरह से थिंग्स रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको अवॉइड ही कीजिए, किसी टेक्नीशियन की, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए, उसी के थ्रू आप ये करिए। ये देखिए आप हमारे जो टेक्नीशियन हैं उसको थोड़ा स्मूथ कर दिए हैं, क्योंकि वो खुल गया था। इसमें कि स्प्रे जो लगा रहे हैं, स्प्रे इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि जो उसकी ये लुब्रिकेंट को तय करेगा, और इस लुब्रिकेंट से जो इसकी स्मूथनेस होती है हिंग्स की वो बन जाती है। आप देखिए इसको बनाए रखे हुए और ये अच्छे से काम कर रहा है। इसकी जो बोरी का पार्ट टूटा हुआ था अभी आपको दिखाएंगे। ये हमारे दूसरे टेक्नीशियन है, दूसरी साइड में बैठे हुए भी लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं। ये जो पैनल था बोली का, ये उसका टूट गया था। इसको हमारे से सेट करते हुए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप इससे बोर मत होइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिल रही हैं, कैसे हम लैपटॉप के हिंग को रिपेयर करते हैं, बोली को रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने जा रहा है, इसको आप एंड तक देखना। और जब तक ये लैपटॉप बिल्कुल फिट होकर पूरा बंद करके इसको हम वर्किंग कंडीशन में ना निकाली, तब तक हमारे टेक्निक से इसको करेंगे। तो आप वीडियो को बीच में इंप्रूव मत करना। अभी ये हम जो क्विक फिक्स जिसकी जिससे हम इसके जो बॉडी का जो पैनल इसका टूट गया था उसको हम फिक्स करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका नो ग्लास होता है, स्क्रू खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर होता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन इस वीडियो में देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की बॉडी, लैपटॉप रिपेयर करने का, बॉडी को फिक्स करने का, आपका HP, डेल, किसी का भी कोई भी लिनोवो, कोई भी लैपटॉप हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम आपको उसकी कॉस्ट भी बता देंगे कि कितनी कॉस्ट उसमें लगेगी उसको रिपेयर करने के लिए। सारी चीज़ें 1-to-1 अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम कमेंट में आपको सारी इस तरह की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको मतलब कोई ज़्यादा परेशानी ना हो रिपेयर करने के लिए। ये जो पैनल होता है जहाँ पर हमारे स्क्रू लगते हैं, हमारे लगता है, तो उसको अभी हमारे टेक्नीशियन में फिक्स करते हैं। ये भी इसका एक इन बॉडी को रिपेयर करने का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ये स्क्रू लगाना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना,
ड्रॉप मत करना। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट ड्रॉप कर दोगे तो आप समझ लेंगे कि कोई ऐसी चीज़ आप मिस कर जाओगे जिससे कि आप अपने लैपटॉप के रिंग को अगर रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो वीडियो का एक एक चीज ध्यान से देखो, समझो और उसके बाद ही आप अपने आप से लाइए। ये रेत जो होता है लैपटॉप की बॉडी को फिक्स करने के बाद में, अब हम इसको पूरे लैपटॉप को चेक करने जा रहे हैं और देखिए इसके पूरे केस की जो है क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कि हमने रिपेयर किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा लैपटॉप जिसके की थिंग और बॉडी दोनों टूट रहे थे, जिसको हमने रिपेयर किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरे लैपटॉप को अपन क्लीन करने के बाद में उसको बंद कर देते हैं, उसके इसको फिर से दोबारा से बंद करना है। तो इस तरह से आप देखिए कि इन लोगों के लैपटॉप के थिंग्स और बॉडी अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उसको रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा आपका कोई भी लैपटॉप हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे लोगों को भी उसका फायदा मिले। तो अब धीरे धीरे करके स्क्रू हम ये सारे बंद कर रहे हैं। हर चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी अगर आपने उसकी जो डिसेंबल किया था, अगर उसकी कोई भी वायर अगर आपने नहीं सही से लगा तो फिर आपको पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा। तो हम उसकी डिलीवरी जो राइटर होता है उसको बंद कर रहे हैं। सूर्य कंप्यूटर से ही हर तरह के लैपटॉप प्रिंटर के कोई भी इशू हो सब कुछ रिपेयर करते हैं हम लोग। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई कुछ किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज लेना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कौन से लैपटॉप में कौन सी स्क्रीन लगेगी, उसके हिंग्स को रिपेयर करने का कितना खर्चा आएगा, तो इस तरह की कोई भी अगर इंक्वायरी आपकी है तो आप हमें कमेंट कर देंगे, हम आपको हर तरह से सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एक छोटी से छोटी चीज करना रखना पड़ता है। जल्दी हमने वन के सब्सक्राइब भी पूरे करने हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो सारी यूजफुल वीडियो बन रही होती है। वो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं होती है जिसमें कैसा वगैरह चल रहा है, तो सारी सीरियस और बहुत ही अच्छी वीडियो होती हैं जो कि आप अब आप देख सकते हैं इसके फाइनल से जो भी हमारे स्क्रीन करती है। ये आप देखते तो इसकी बॉडी और थिंग्स वगैरह सब किस तरह की ये इसकी फाइनल से बिल्कुल फिट काम कर रहा है। अगर आप इसको फॉलो करके भी देख सकते हो कि किस तरह से ये आपको दिखा रहे हैं कि उसका ऐसे जो यहाँ से इसको रिपेयर कर रहे हैं। एक एक चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। हर चीज आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए, मैं आपको ऐसे एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो छोड़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ पार्ट इसका मिस कर जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो